लव इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ ऑप्शंस। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो तुम एक भिखारी और मजनू बनकर रह जाओगे। हमेशा ऑप्शन रखो। एक लड़की कभी मत पटाओ, दो पटाओ, तीन पटाओ, फिर देखना भीड़ की भीड़ चली आएगी तुम्हारे पास। तुमने कई बार देखा होगा जिसके साथ एक नहीं फंसती उसके साथ कभी कोई भी नहीं फंसती, और जिसके साथ एक या दो फंस जाए उसके साथ फिर तीसरी भी फंस जाती है, चौथी, पांचवी, दसवीं, पंद्रहवीं। एक बार शुरू तो करो। तुम तो एक के पीछे दीवाने हो जाते हो, और सबसे बड़ी गलती ये करते हो जब लड़की को बताते हो कि सिर्फ तू ही है मेरी जिंदगी में। नहीं, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ पावर। तुम्हें उसे लगातार बताना होगा कि अगर तू थोड़ा सा भी हिली, थोड़ा सा भी डगमगाई तो मैं निकल जाऊंगा तेरे हाथ से। मगर तुम तो इतने चिपकू और घबराए हुए होते हो कि कोई भी तुम्हें छोड़कर भाग जाती है। अगर तुम प्रेम के खेल में नए नए उतरे हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शुरुआत करो। जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी लड़की मिलती है उसके साथ प्रेम शुरू कर दो। तुम गर्लफ्रेंड बनाना शुरू तो करो, तुम पहले ही पसंद करना शुरू कर देते हो। और बड़ी मुसीबत यह है कि तुम सुंदर से सुंदर लड़की को टारगेट करते हो जिसे देखते ही तुम घबरा जाते हो। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सबसे पहले उस लड़की से प्यार करो जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। एक बार कोई लड़की तुम्हारे जीवन में आ गई तो उसके बाद लड़कियां ही लड़कियां चली आएंगी। तुम तो शुरुआत ही नहीं करते, तुम कहते हो शुरुआत भी उसी के साथ करूंगा जो आसमान से उतरी होगी। एक दो लड़कियां तो यूं ही टाइम पास के लिए रखो, इससे होगा ये कि तुम में कॉन्फिडेंस आ जाए।